हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चिरंजीत मल्लिक एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट द थर्ड लेक्चर ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इन टुडेज लेक्चर वी विल लर्न अबाउट हाउ द सीड्स आर फॉर्म्ड इन डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज द मैकेनिज्म थ्रू विच द सीड्स एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड इन मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So first of all, we all have to know what are seeds. Seeds are the modified and fertilized ovule. Okay, जब ovule fertilize हो जाता है ना, ovule के अंदर ही होता है embryo sac के ही जो nuclei होते हैं वो fertilization में हिस्सा लेते हैं। तो fertilization के बाद उसमें modification आना शुरू हो जाता है ovule में, है ना। ovule के अंदर क्या क्या modification, पहले क्या क्या changes आते हैं ovule के अंदर जैसे ही fertilize होते हैं एम्ब्रायो सेक के न्यूक्लियाई, तो सबसे पहले क्या होता है, एक एम्ब्रायो बनता है ना, और दूसरा जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है वो फर्टिलाइज होकर क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, एम्ब्रायो जो है वो क्या करेगा, प्लांट का ग्रोथ कराएगा, वही प्लांट बनाएगा, मतलब वो बेबी प्लांट है। ठीक है, एम्ब्रायो, और जो एंडोस्पर्म है वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है। सो अब हम लोग जानते हैं कि उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। सो इतने सारे चेंजेस आते हैं ओव्यूल के अंदर। ठीक है, सो ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइज हो चुका है, तो इसीलिए इसका व्हाट आर सीड्स, तो सीड्स आर द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, सीड्स आर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। उस ओव्यूल का जो ओवरी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, वो मॉडिफाई हो जाता है फ्रूट में। ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है वो सीड्स को बनाता है और जो ओवरी होता है वो फ्रूट को बनाता है। ठीक है, तो सीड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीड्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के, मोनोकॉट्स डाइकॉट्स। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट आर सीड्स। तो सीड्स आर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, कैसे, क्योंकि देखो सीड्स जो है वो फर्टिलाइज होते हैं पॉलन ग्रेन के दो न्यूक्लियाई से, उसमें से एक न्यूक्लियाई जो है वो एग सेल को फर्टिलाइज करता है जिससे क्या बनता है, एम्ब्रायो बनता है, और दूसरा न्यूक्लियस जो है वो किसको फर्टिलाइज करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस को। ठीक है, जिससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। तो इस तरह जो पूरा ओव्यूल है वो फर्टिलाइज हो जाता है और वही क्या बनाता है, सीड्स बनाता है। ठीक है, अब सीड्स के टाइप देख लेते हैं, दो टाइप के, जो कि हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं ना, बहुत पहले से हम लोग जानते हैं कि सीड्स दो टाइप के होते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। ठीक है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स वे होते हैं जिनमें सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है, और डाइकॉट्स वो होते हैं जिसमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कॉटिलेडन्स कैसे बनता है, हम लोगों ने हार्ट शेप पढ़ा था, ये इस टाइप से हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो पड़ा था, ये सस्पेंसर सेल और ये इसका प्रो एम्ब्रायो। ठीक है ना, ये हार्ट शेप्ड बना, यहीं पर इसका एम्ब्रायनल एक्सिस है। ठीक है, जो कि हाइपोकोटाइल इपिकोटाइल है ना, यहां पर इपिकोटाइल का अपर मोस्ट पार्ट क्या बनाएगा, इपिकोटाइल का अपर मोस्ट पार्ट प्लूमूल, और हाइपोकोटाइल का लोअर मोस्ट पार्ट जो यहां पर है वो क्या बनाएगा, रेडिकल। ठीक है ना, ये प्ल्यूमूल जो है वो प्लांट का जो शूट सिस्टम का लेंथ बढ़ाएगा, और जो हाइपोकोटाइल का टिप है यानी कि रेडिकल वो रूट सिस्टम का ग्रोथ बढ़ाएगा। ठीक है, और ये दोनों जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं वो और ग्रो करते हुए जाएंगे, करते 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 फिर ये धीरे धीरे ऐसे मुड़ने लगेंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या बना लेंगे, कॉटिलेडन्स बना लेंगे। ये तो डाइकोट की बात हुई, मोनोकोट्स में क्या होता है कि इसमें से सिर्फ एक ही ग्रो कर पाता है और एक जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है, तो इसीलिए सिर्फ उसमें एक कॉटिलेडन होता है, इसीलिए उसको मोनोकॉट्स कहते हैं। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो अब आगे देखते हैं क्या होता है, कॉटिलेडन समझ में आ गया, तो मोनोकॉट्स में सिर्फ एक कॉटिलेडन, डाइकॉट्स में दो कॉटिलेडन। अब मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स दोनों दो दो टाइप के होते हैं। ठीक है ना, या मोनोकॉट के एग्जाम्पल ले लो या डाइकॉट का एग्जाम्पल ले लो, वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, यानी एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक एंड एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक, मोनोकॉट भी दो टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक एंड एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक। ये दो टाइप मोनोकॉट्स के भी हैं और डाइकॉट्स के भी, यही दो टाइप्स हैं, एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक एंड एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, सो देखो क्या होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस करके बता दिया था कि जो ये मान लेते हैं ये ओव्यूल है। ठीक है,
ऑव्यूल के यहाँ पर जो तीन एंटीपोडल सेल्स है वो तो डिजेनरेट कर गए हैं, यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है सेकेंडरी न्यूक्लियस वो क्या होता था, पॉलन के एक न्यूक्लियाई से क्या हुआ था, फर्टिलाइज हुआ था, जिसके वजह से यहाँ पर क्या बन रहा था, एंडोस्पर्म बन रहा था। चलो एंडोस्पर्म बना देते हैं, एंडोस्पर्म भी डिवाइड करते करते बहुत बड़ा हो गया था, है ना। एंडोस्पर्म डिवाइड करते 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 ये बड़ा हो रहा है अपना, क्योंकि उसमें लगातार सेल डिवीजन होता रहेगा, सेल डिवीजन होना जरूरी है, क्योंकि अगर एंडोस्पर्म छोटा रह गया है ना, एंडोस्पर्म अगर छोटा रह गया तो इसको तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है ना, तभी तो ज़्यादा सेल रहेगा, तब तो उसको अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ना। और ये जो एम्ब्रायो यहाँ पर यानी कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ बना था, वो धीरे धीरे ग्रो करते हुए ऊपर जा रहा था, है ना, ऊपर जाते जाते ये पूरे तरीके से इसके अंदर एम्बेड हो गया था इस टाइप से। आ रहा है कुछ समझ में? ये सस्पेंसर सेल इसको हेल्प कर रहा था ऊपर की तरफ ले जाने में, ठीक है ना, क्योंकि यहां तक पहुंचेगा, एंडोस्पर्म तक पहुंचेगा तब तो उससे न्यूट्रिशन लेगा ना, तो इस तरह धीरे धीरे सस्पेंसर सेल जो है वो उसको ऊपर की तरफ ग्रो कराते हुए बिल्कुल जो एंडोस्पर्म के अंदर इम्बेड करा दे रहा था, ठीक है, एंडोस्पर्म के अंदर इम्बेड हो गया। अब ये इससे न्यूट्रिशन लेगा, तो न्यूट्रिशन लेते 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 क्या होता है कि ये धीरे धीरे एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है, धीरे धीरे पूरे एंडोस्पर्म को ये कंज्यूम कर लिया, खा लिया, ठीक है ना, इसी से इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। अब घर में फ्रूट ला के रखोगे, है ना, उसी से तुमको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो खाओगे तो खत्म होगा, नहीं खाओगे तो खत्म होगा ही, तो इसी तरह ये भी खाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है, पूरे तरीके से उसको कंज्यूम कर लेता है। लेकिन कुछ में क्या होता है कि ये पूरे तरीके से इसको कंज्यूम नहीं कर पाता है, ठीक है, पूरे तरीके से कंज्यूम नहीं कर पाता है, और कुछ अमाउंट में जो है एंडोस्पर्म बचे कुचे रह जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, बचे कुचे यहाँ वहाँ करके रह जाते हैं एंडोस्पर्म बचे कुचे, ठीक है। और जब ये ऑव्यूल सीड बनाएगा तब ये एंडोस्पर्म जो है वहाँ पर दिखाई देगा। तो ऐसे सीड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि एंडोस्पर्म बचा रह गया है तो ऐसे सीड्स को हम लोग बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड्स का डेफिनेशन क्या होगा, यहीं पर लिख दिया हूं मैं, एंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली बाय एम्ब्रायो एंड दस प्रेजेंट इन मैच्योर सीड्स, ठीक है, यानी कि एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रायो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाया है और इसीलिए ये मैच्योर सीड्स में दिखाई देगा, ठीक है। तो वैसे सीड्स को हम लोग क्या कहेंगे, एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है, एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड्स। आ रहे समझ में? इसका एग्जाम्पल क्या है, कैस्टर मेज वीट, ठीक है, कैस्टर मेज वीट, ये तीनों इसके एग्जाम्पल है और जो इसमें दिए हुए, इसीलिए बेहद इंपॉर्टेंट इनके एग्जाम्पल्स बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको याद कर लेना फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि एल्ब्यूमिनस सीड्स या एंडोस्पर्मिक सीड्स क्या होते हैं, वो सिर्फ तुम्हें ये एग्जाम्पल दे देगा, ठीक है ना, वो तुम्हें चार एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन जो है वो एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड्स है, ठीक है। तो इसीलिए एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, देखो, और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट है और खासकर तब जब वो एनसीईआरटी में दिया हो, इसलिए इसे एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ। सो उसके एग्जाम्पल मैं लिख दिया वहां पर, कैस्टर मेज वीट, जितने भी सीरियल वाले प्लांट होंगे, सीरियल वाले प्लांट मतलब जो मोटे अनाज होते हैं, वे मेज होता है, बीट होता है ना, बार्ले होता है, ये सब क्या है, एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड्स में आते हैं, और ये सब क्या, मेज वीट मोनोकॉट्स है, ठीक है। और यहाँ कैस्टर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो डाइकॉट है, याद रखना, कैस्टर यहाँ डाइकॉट है और मेज और वीट क्या है, मोनोकॉट है। यहाँ क्वेश्चन ये ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, कौन सा डाइकॉट सीड एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक होता है, कौन सा डाइकॉट सीड एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक होता है, और एग्जाम्पल में दे देगा कैस्टर मेज वीट बार्ले, ठीक है ना, वो चारों के चारों एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक ही है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ क्वेश्चन में एक बात लिखा हुआ है, कौन सा डाइकॉट सीड, ठीक है, तो डाइकॉट इसमें सिर्फ कैस्टर है,
सिर्फ ये डाइकोट है, ठीक है, बाकी ये दोनों जो है वो मोनोकोट्स है। आ गया समझ में? तो इसमें क्या हुआ, ये वाले इस तरीके के सीड में क्या होते हैं कि थोड़े बहुत एंडोस्पर्म जो है वो बचे रह जाते हैं, क्योंकि वो एम्ब्रायो जो है वो उसको कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाता है, और इसीलिए वो मेच्योर सीड्स में दिखाई दे जाता है, तो उन्हें एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। ठीक, उसके उल्टे क्या होता है, कुछ सीड्स में ऐसे होते हैं कि जो एम्ब्रायो है उसे कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है, एक भी एंडोस्पर्म का सेल नहीं बचता है, ठीक है, कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है। जनरली ऐसा ही होता है, कंप्लीटली इसको कंज्यूम कर लिया तो अब कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बचा, तो जब बचेगा ही नहीं तो मैच्योर सीड्स में देखने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना, मैच्योर सीड्स में दिखने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो दिख जाए। सो एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रायो एंड कांट बी सीन इन मैच्योर सीड्स, ठीक है। तो वैसे सीड्स को एक्स एल्ब्यूमिनस या नन एल्ब्यूमिनस भी बोला जाता है, एक्स एल्ब्यूमिनस, नन एल्ब्यूमिनस और नन एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है, एक्स एल्ब्यूमिनस और नन एंडोस्पर्मिक और नन एल्ब्यूमिनस, तीनों सेम है। सो एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रायो एंड कांट बी सीन इन मैच्योर सीड्स। इसका एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट, जो जो अंडरलाइन कर दे रहा हूं वो सबको अच्छे से देख लेना, ग्राम पी ऑर्किड्स, ठीक है, इनमें एंडोस्पर्म का एक भी सेल दिखता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, कंप्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं। इसमें जो ग्राम और पी है वो डाइकॉट है, ठीक है, ग्राम और पी डाइकॉट है, यानी चना और पीज, यानी जो मटर होता है, चना और मटर वो डाइकॉट्स हैं, और ऑर्किड जो होता है वो मोनोकॉट है, ठीक है, ये मोनोकॉट है और बाकी दोनों डाइकॉट है, ठीक है। तो यहां तक हो गया हम लोगों का सीड का टाइप। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आया था, हालांकि वो क्लास 10 के थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कॉटिलेडन्स के बेसिस पर ही ये हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि वो मोनोकॉट है या डाइकॉट। तो सही था, क्योंकि सिर्फ कॉटिलेडन के आधार पर ही हम लोग उसको मोनोकॉट या डाइकॉट बांटने लगे। इस काम के लिए हमें उसके उनके सीड्स को देखेंगे, तभी पता चलेगा कि उसमें एक कॉटिलेडन है या या दो कॉटिलेडन्स है ना, उनके सीड्स को देखना पड़ेगा उसके लिए। और मान लो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स हमें विजिबल ही नहीं होते, दिखते ही नहीं है, तो उनमें कैसे पता लगाएं कि वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है, ये उस बच्चे का सवाल था। जैसे कि ग्रासेस होते हैं, ठीक है, ग्रासेस होते हैं, जैसे दूब घास हो गया, दूब घास हो गया जिससे कि पूजा में काम आता है, ठीक है ना। अब उसका बताओ, उसका सीड्स दिखाई देता है, नहीं दिखता, कैसे पता लगाएं वो मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, ये सवाल था उस बच्चे का। तो मुझे बेहद अच्छा लगा वो सवाल, और उसका आंसर ये है कि सिर्फ उसका बीज देखकर हमें पता नहीं लगता है कि मोनोकॉट या डाइकॉट है ना, और भी बहुत तरीके हैं उसके पता लगाने के लिए। सबसे पहला तरीका, उसके लीफ को देखो कैसा है, ठीक, उसके लीफ से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है। अगर उसके लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन हो, रेटिकुलेट मतलब होता है जाल के टाइप का, है ना, पूरा इस टाइप का नेट के टाइप का पूरा बना हुआ हो उस पत्ते में, पतला पतला बिल्कुल, पहले तो ये वाला रहेगा, ये तो साफ दिखता है ना, और उस पर भी पतला पतला धागा धागा रहेगा, है ना, तो इसे हम लोग, ये होता है हमेशा डाइकॉट का पहचान, ठीक है, डाइकॉट में हमेशा ऐसे ही लीफ होगा। जैसे हो गया तुम्हारा नीम का पत्ता है ना, मैंगो हो गया, बनियान, पीपल, ठीक, उन सब में हमें ये वेनेशन देखने को मिलता है। और अगर उसमें पैरेलल वेनेशन दिखता है, पैरेलल वेनेशन मतलब पत्ता ऐसा रहेगा, अगर उसमें पैरेलल वेनेशन दिखा उसका लीफ में, तो इसका मतलब वो मोनोकॉट है। तो ऐसा पैरेलल वेनेशन किस में दिखता है, हमें ग्रास में दिखता है, और हमें राइस के प्लांट में दिखता है, वीट के प्लांट में दिखता है, मेज के प्लांट में दिखता है, शुगर केन के प्लांट में दिखता है। तो अगर पैरेलल वेनेशन दिखा, इसका मतलब क्या हो गया, वो मोनोकॉट हो गया। आप बताओ, कोई पूछेगा कि शुगर केन क्या है, बताओ मोनोकॉट है कि डाइकॉट, तो क्या उसका सीड खोजने चलोगे, नहीं, क्योंकि उसका सीड मिलेगा ही नहीं। सो कैसे पता लगाएंगे कि वो मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, तो उसका पता लगाने का ये तरीका है कि डाइकॉट में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसके लीफ में, मोनोकॉट्स में क्या होता है, मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन, ठीक है। मान लो उसके लीफ को सारा काट दिया, आप पूछेगा कि बताओ कि ये मोनोकॉट था कि डाइकॉट था, तो फिर कैसे पता लगाओगे, उसके बावजूद भी हम लोग पता लगा सकते हैं उसके रूट को देखकर। अगर उसका रूट जो है वो फाइब्रस रूट है, फाइब्रस रूट सिस्टम बनाता है ना, सो
अगर वो फाइबरस रूट सिस्टम मतलब ऐसे जमीन के नीचे गया और इस तरीके से पूरा बिखर गया, इसे पता ही नहीं चलता है कि कौन मेन रूट है और कौन एक्सेसरी रूट्स है, ठीक है ना, कौन सेकेंडरी है कौन मेन है पता ही नहीं चलता है। जैसे ही जमीन के नीचे गया वैसे ही बट गया पूरे तरीके से ना, इसे फाइबरस रूट सिस्टम कहते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो वो क्या है, मोनोकोट है। और अगर ऐसा हुआ टैप रूट सिस्टम जिसे कहते हैं, ये साफ पता चल रहा है कि ये हमारा मेन रूट है, ठीक है ना, जो कि रेडिकल से निकला हुआ है, ठीक, तो इसे हम लोग कहते हैं टैप रूट सिस्टम और इसको हम लोग कहेंगे फाइबरस रूट सिस्टम। तो अगर टैप रूट सिस्टम दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो डाइकोट है, और अगर फाइबरस रूट सिस्टम दिख रहा है तो हम लोग इसको कह देंगे क्या, मोनोकोट, जो कि हम लोगों को दिखता है वीट में, मेज में, है ना। सो इसे हम लोग कहेंगे मोनोकोट्स और ये है डाइकोट का। तो आगे समझ में, सिर्फ और सिर्फ हम लोग सीड के आधार पर उसको नहीं बांट सकते कि मोनोकोट है कि डाइकोट है ना, क्योंकि उसके लिए हमें सीड चाहिए होगा जो बार बार हमें नहीं मिल सकता, हमेशा सीड मिल पाना हर प्लांट के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो हम लोगों को ये भी देख सक, ये भी देख करके हम लोग बता सकते हैं, हम लोग उसके रूट्स को उसके लीफ को देख करके बता सकते हैं कि वो मोनोकोट है या डाइकोट है। अगर समझ में, लीफ अगर क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन है तो डाइकोट, अगर पैरेलल वेनेशन है तो मोनोकोट, अगर रूट जो है वो टैप रूट सिस्टम है तो डाइकोट, और अगर फाइबरस रूट सिस्टम है तो मोनोकोट। अगर समझ में, तो ये था उस बच्चे का सवाल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने डाउट रखा मेरे सामने। तो आप लोगों को भी अगर डाउट होता है कुछ तो उसे जरूर पूछा करिए। तो यहाँ तक हम लोगों का था टाइप्स ऑफ सीड्स, ओके। अब हम लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ सीड्स क्या क्या होता है, सीड्स के अलग अलग पार्ट्स क्या क्या होते हैं, सो हम लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं कि सीड्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। सीड्स के तीन पार्ट्स होते हैं, पहला तो एक होता है इसका सीड कोट, ठीक है, ये जो बाहर वाला लेयर देख रहे हो जो बाहर से बिल्कुल है ना, उसे हम लोग कहते हैं सीड कोट। और उसके बाद होता है ये कॉटिलेडन्स, ठीक है, सीड कोट, कॉटिलेडन्स एंड द एम्ब्रायनल एक्सिस, इसको पूरे को हम लोग कहते हैं एम्ब्रायनल एक्सिस, थ्री पार्ट्स। सो एक सीड के थ्री पार्ट्स होते हैं, कौन कौन, सीड कोट, कॉटिलेडन्स एंड एम्ब्रायनल एक्सिस, ठीक है। इसमें से ये जो कॉटिलेडन्स और एम्ब्रायनल एक्सिस है, ये जो कॉटिलेडन्स और एम्ब्रायनल एक्सिस है, ये दोनों किससे बना हुआ है, ये दोनों एम्ब्रायो से बना हुआ है, एम्ब्रायो डेवलप करके एम्ब्रायनल एक्सिस और कॉटिलेडन्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ये देखो, ये एम्ब्रायो का ही पार्ट था, ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो पूरा है ना, तो इसका कुछ भाग जो है वो दोनों डेवलप कर गया था, है ना, और क्या बनाया था, कॉटिलेडन्स, और जो नीचे धसा हुआ था वो एम्ब्रायनल एक्सिस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एम्ब्रायो ही था ना, एम्ब्रायो का ही पार्ट है कॉटिलेडन्स, तो कॉटिलेडन्स और एम्ब्रायनल एक्सिस दोनों एम्ब्रायो के ही पार्ट हैं, ठीक है। बीच वाला पार्ट जो हल्का सा निकला हुआ था वो एम्ब्रायनल एक्सिस बनाता है, और जो डेवलप कर गए वो क्या बना लेते हैं, कॉटिलेडन्स बना लेते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है सीड कोट, वो किस चीज का बना होता है, वो बना होता है इंट्यूगमेंट्स का। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा होता है, ये दोनों को हम लोग कहते हैं इंट्यूगमेंट्स, है ना, दो इंट्यूगमेंट्स होते हैं अधिकतर, लेकिन कभी कभी वन भी होता है, एक दो, ठीक है ना, एक दो, दो इंट्यूगमेंट्स हैं। ये दोनों इंट्यूगमेंट क्या करके रखते हैं, ओव्यूल को, ये पूरा ओव्यूल है ना, इस ओव्यूल को पूरे कवर करके रखते हैं ना, इंट्यूगमेंट। इंट्यूगमेंट दो होते हैं, अंदर वाले को कहते हैं टेगमेन और बाहर वाले को कहते हैं टेस्टा, ठीक है, टेस्टा टेगमेन, ठीक, दो इंट्यूगमेंट्स होते हैं, दो इंट्यूगमेंट्स होते हैं टेस्टा एंड टेगमेन। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इसको घेर के रखते हैं, किसको, ओव्यूल को कवर करके रखते हैं, ठीक है, लेकिन एक पार्ट को छोड़कर जिसे हम लोग माइक्रोपाइल एंड कहते हैं ना, माइक्रोपाइल जो है वो खुला रहता है, वहां पर इंट्यूगमेंट उसे नहीं ढकता है, तो यहाँ पर एक पोर टाइप का बना हुआ रहता है, ठीक है। इस पोर से ही क्या होता है, हम लोगों का पॉलन ट्यूब आया था और इसी पोर से एंटर किया हुआ था, है ना। सो इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल, और ये माइक्रोपाइल यहाँ पर जो इंट्यूगमेंट देख रहे हो ना, ये दोनों इंट्यूगमेंट ही बनाता है सीड कोट।
सीड कोट तुम लोग देखे होगे, जो चना खाते हो उस चने में जो ब्राउन कलर का जो कवर होता है ना, चने में जो ब्राउन कलर का कवर होता है, या बादाम खाए होगे तो बादाम में देखते होगे जो रेड कलर का कवर होता है, बिल्कुल पतला सा झिल्ली सा जो कवर होता है रेड कलर का, है ना, या फिर चने में जो ब्राउन कलर का कवर होता है उसे हम लोग कहते हैं सीड कोट। आ रहा है समझ में? मेनली तो सीड का कलर होता है चने का येल्लो, येल्लो के ऊपर जो ब्राउन कलर का कवर चढ़ा होता है वो सीड कोट होता है, ठीक है। अब सीड कोट बन गया, चलो इंट्यूगमेंट से बना है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीड कोट जो है वो किससे बना होता है, तो वो इंट्यूगमेंट से बना होता है। यहाँ पर जो बच गया, जहाँ पर इंट्यूगमेंट उसे नहीं ढका होता है, उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल भी हम लोगों को सीड में दिखाई देता है। इधर ध्यान दो, ये जो चना हम लोग देखते हैं, चना की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का रहता है, और इस जगह पर देखना एक छोटा सा पोर रहता है। अगर ध्यान नहीं दिए होगे तो आज ही एक चना, सबके घर में चना होगा, एक चना लेकर देखना कि यहाँ पर एक छोटा सा पोर टाइप का रहता है ना, इस पोर को हम लोग कहते हैं क्या, इस पोर को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। यही माइक्रोपाइल एंड है जो कि डेवलप्ड चने के सीड्स में दिखाई देता है। और इस माइक्रोपाइल का काम क्या होता है, टू सप्लाई द ऑक्सीजन एंड वाटर थ्रू इट, पानी हवा सब यही से लेता है इस माइक्रोपाइल पोर के थ्रू ही। आ रहा है समझ में? अगर नहीं दिखा हुआ है, ध्यान नहीं दिए होगे तो आज ही सबके घर में चना होगा, कोई अगर बोलता है कि नहीं है तो वो झूठ बोलता है ना। सो इस माइक्रोपाइल के थ्रू ही वाटर और एयर का यानी कि ऑक्सीजन का सप्लाई होता है सीड के अंदर। सो माइक्रोपाइल का भी समझ में आ गया, तुम्हारा सीड कोट भी समझ में आ गया कि इंट्यूगमेंट से बना होता है। अब आते हैं हम लोग एम्ब्रायनल एक्सिस में। ये कॉटिलेडन्स तो आ गया हम लोगों को समझ में कि कॉटिलेडन्स किस चीज का बना होता है। कॉटिलेडन्स उस पार्ट का बना होता है, एम्ब्रायो के उस पार्ट का बना होता है जो कि डेवलप करके बड़ा हो गया था ना। कॉटिलेडन्स एम्ब्रायो के उस पार्ट का बना होता है जो डेवलप करके बड़ा हो गया था, और जो नीचे धंसा हुआ था उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रायनल एक्सिस। बार बार इस चीज को बता चुका हूं। और इस कॉटिलेडन में क्या होता है, रिजर्व फूड होता है, ठीक है, क्योंकि अभी भी ये जो है वो नन्हा सा प्लांट है, छोटा सा प्लांट है ना, ये छोटा सा प्लांट है। और जब बच्चा छोटा होता है, एक बेबी प्लांट है, और बेबी छोटा रहता है तो उसे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वो खुद नहीं बना सकता है खाना, है ना, वो खुद अभी नहीं बना सकता है, तो उसे खाने की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो वो न्यूट्रिशन वो कहाँ से लेगा, इन कॉटिलेडन्स से ही लेगा, क्योंकि इन कॉटिलेडन्स में लॉट ऑफ रिजर्व फूड्स प्रेजेंट इन दिस कॉटिलेडन्स, ठीक है। अब इस एम्ब्रायनल एक्सिस के भी पार्ट हैं। ये जो एम्ब्रायनल एक्सिस देख रहे हो ऐसे टाइप का है, ये वाला उसका प्लेन है, वो वाला प्लेन जहां पर से ये कॉटिलेडन्स जुड़ते हैं, ये कॉटिलेडन्स के जुड़ने का प्लेन है, ठीक है ना। अब इस प्लेन से अगर ऊपर जाते हैं तो इस पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं इपिकोटाइल, ठीक है, इपिकोटाइल। और अगर इस प्लेन के नीचे आते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है, इपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, ठीक। ऊपर वाले हिस्से को इपिकोटाइल प्लेन के, वो वाला प्लेन जहां पर कॉटिलेडन जुड़ता है उस प्लेन के ऊपर वाले हिस्से को इपिकोटाइल, और इस पूरे नीचे वाले हिस्से को हाइपोकोटाइल। और इपिकोटाइल का जो टिप होगा है ना, बिल्कुल किनारे वाला हिस्सा, बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा जो टिप है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, प्ल्यूमूल। तो प्ल्यूमूल क्या है, इपिकोटाइल का ही टिप वाला हिस्सा है। और हाइपोकोटाइल का जो टिप होगा, बिल्कुल किनारे वाला हिस्सा, वो क्या बनाएगा, रेडिकल। ये प्ल्यूमूल जो है ना वही शूट सिस्टम का डेवलपमेंट करेगा, ठीक है, यानी कि जो धरती के ऊपर रहता है जिसमें स्टेम लीफ है ना ये सब आते हैं ब्रांचेस। रेडिकल क्या है, वो यहीं से जड़ निकलना शुरू होगा, ठीक है। तो ये तो था हम लोगों का डाइकोट सिस्टम का सिस्टम। मोनोकोट में क्या होता है, मोनोकोट में थोड़ा सा डिफरेंस है और उसके नाम भी थोड़ा अलग टाइप के होंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसका कॉटिलेडन सिर्फ एक ही होता है मोनोकोट में। सो मोनोकोट का एक एग्जांपल लेते हैं। वैसे एनसीईआरटी में
चार एग्जाम्पल दिए हुए हैं, चार चार के डायग्राम दिए हुए, वो डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक एक का एग्जाम्पल बता दिया है, ये डाइकोट का है और ये मोनोकोट का। मोनोकोट में मैंने मेज का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर मेज का ही पूछा जाता है। सो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये मेज जो है वो क्या है, एक एंडोस्पर्मिक सीड बनाता है ना, एंडोस्पर्मिक सीड बनाता है, यानी कि जो मेज का जो सीड है वो कंप्लीटली, मेज का जो एम्ब्रायो है वो एंडोस्पर्म का कंप्लीटली कंजम्पशन नहीं कर पाता है, ठीक है, कंप्लीटली कंजम्पशन नहीं कर पाता है, उसमें जो एंडोस्पर्म के कुछ हिस्से बचे रह जाते हैं ना। इसमें हम लोगों को एंडोस्पर्म कहीं नहीं दिखा, क्योंकि जो ग्राम होता है, ग्राम कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है एंडोस्पर्म को, इसीलिए यहाँ पर एंडोस्पर्म हमें कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें हम लोगों को एंडोस्पर्म दिख रहा है, क्योंकि ये एक एंडोस्पर्मिक या फिर कह सकते हो एल्ब्यूमिनस सीड है, ठीक है, एल्ब्यूमिनस सीड है। इसमें हम लोगों को इसके जो मैच्योर सीड है उसमें एंडोस्पर्म स्पष्ट रूप से हम लोगों को दिखेगा, एंडोस्पर्म, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीटली उसको कंज्यूम नहीं कर पाया है, उसका जो एम्ब्रायो है वो डेवलपमेंट के दौरान उसके कंप्लीटली एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं कर पाया है। अब हम लोग देखते हैं कि जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो एंडोस्पर्म बनाता है और जो ये निचला वाला हिस्सा है वो क्या क्या बनाएगा, वो बनाएगा स्कूटेलम। जैसे इसमें कॉटिलेडन है ना, जैसे इसमें कॉटिलेडन है, इसमें क्या होगा, स्क्यूटेलम, ठीक है, स्क्यूटेलम होता है। स्क्यूटेलम और कॉटिलेडन एक ही चीज है इसमें, तो क्योंकि कॉटिलेडन का काम क्या है, फूड रिजर्व रखना, इसी तरह स्क्यूटेलम में भी फूड रिजर्व होता है और एंडोस्पर्म में तो रहता ही है फूड रिजर्व, है ना, तो इसमें काफी ज्यादा फूड रिजर्व हो गया। एक तो स्क्यूटेलम भी फूड रिजर्व कर रहा है और एंडोस्पर्म तो है ही नेटवर्टी टिश्यू, है ना। अब देखो ये सारे वर्ड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉलियोप्टाइल, प्लूमूल, रेडिकल एंड कॉलियोराइजा। क्या प्लूमूल और रेडिकल के बारे में तो हम लोग जानते हैं, प्लूमूल जो है वो शूट सिस्टम को डेवलप करेगा, यानी कि ये वाला हिस्सा शूट सिस्टम को डेवलप करेगा, और रेडिकल यानी कि जो हाइपोकोटाइल का जो निचला हिस्सा है वो क्या करेगा, रूट सिस्टम को डेवलप करेगा। अब यहाँ नए वर्ड आ रहे हैं, कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा, एक्चुअली नए वर्ड नहीं है, मैं इसे पहले भी बता चुका हूँ। तो कॉलियोप्टाइल मतलब प्लूमूल का जो कवर होता है, प्लूमूल को कवर करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कॉलियोप्टाइल कहते हैं, उसी तरह रेडिकल को कवर करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कॉलियोराइजा कहते हैं। ये हम लोगों को डाइकोट में नहीं दिखता है, मोनोकोट में हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है ना, कि प्लूमूल को देखो, यहाँ प्लूमूल को कवर करने के लिए कोई नहीं है और ना रेडिकल को कवर करने के लिए कोई है, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर प्लूमूल को कवर करने वाला जो हिस्सा होगा उसे हम लोग कहेंगे कॉलियोप्टाइल और रेडिकल को कवर करने के लिए जो हिस्सा होगा उसे हम लोग कहेंगे कॉलियोराइजा। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉलियोप्टाइल ऊपर होगा या कॉलियोराइजा ऊपर होगा, ऊपर नीचे कर देते हैं ना, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, क्योंकि देखो कॉलियो तो दोनों में है ना, उसके बाद है टाइल और इसमें राइजा, है ना, तो इसका फर्स्ट वर्ड है पी फोर प्लूमूल, इसी तरह P फोर कॉलियोप्टाइल, ठीक है ना, इसी तरह R फोर रेडिकल, R फोर राइजा, ठीक है, कॉलियो कॉलियो दोनों में सेम है, लेकिन इसमें उसके बाद कॉलियो के बाद P आता है तो P फोर प्लूमूल, ठीक है, इसी तरह रेडिकल कॉलियो इसमें भी सेम है तो रेडिकल का R और यहां पर भी राइजा का भी R, आ गया समझ में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये मेमोराइज करने का एक तरीका मात्र है बस और कुछ नहीं। तो ये समझ में आ गया मोनोकोट और डाइकोट का रूट का सारा स्ट्रक्चर। बहुत बार पूछा जाता है कि स्क्यूटेलम कैसा होता है, तो स्क्यूटेलम शील्ड शेप का होता है। मेज में पूछा जाएगा स्क्यूटेलम कैसा होता है, तो शील्ड शेप, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं शील्ड शेप, ढाल के आकार का, इसे लिख लेना, क्योंकि दो तीन बार पूछा जा चुका है नीट में स्क्यूटेलम की शेप का होता है, तो शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर, या फिर पूछा जा सकता है कि मेज में जो शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं, तो स्क्यूटेलम, ठीक है, शील्ड शेप याद रखना। जब किसी सीड को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा या उसे कुछ एडवर्स कंडीशन मिलता है ना, एडवर्स कंडीशन यानी कि कोई ऐसा कंडीशन जो उसके लिए फेवरेबल ना हो, तो वो क्या करता है, अपना जो अपने जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कम कर देता है
और अपने अंदर का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कम कर देता है, जिसके वजह से एनर्जी उसमें कम लगता है। तो इस पीरियड को हम लोग कहते हैं डॉर्मेंसी पीरियड, ठीक है ना, डॉर्मेंट कर लेता है अपने आप को मेटाबॉलिक। जिस तरह देखे होगे कि जो एनिमल्स में होता है हाइबरनेशन होता है ना, एस्टिवेशन होता है, यानी कि शीत निद्रा, ग्रीष्म निद्रा कहते हैं, यानी कि जो ठंडे का दिन में, ठंडा का दिन होता है उसमें देखना बहुत सारी छिपकलियाँ जो चींटी होते हैं घूमते रहते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, छुप जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइबरनेशन में चले गए हैं, ठीक है। हाइबरनेशन मतलब शीत निद्रा, उन्होंने अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कम कर लिया है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो टेम्परेचर होता है लो टेम्परेचर, उसे वो कम नहीं कर पाते हैं, कंपनसेट नहीं कर पाते हैं बॉडी के साथ, तो जिसके वजह से उनकी जान जा सकती है, इसीलिए वो अपने बिल में ही छुपे हुए रहते हैं और अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कम कर लेते हैं ताकि कम से कम न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़े। सो इसी तरह हम लोगों का जो सीड्स होता है वो भी डॉर्मेंट हो जाता है, ठीक है ना, डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाए, यानी कि जब हम लोग इसको सुखा देते हैं धूप में सूखता है तो पूरे तरीके से सूख जाता है, ठीक है, यानी कि उसको पानी नहीं मिल रहा है सही तरीके से, पानी नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है सही से, तो वो क्या करता है पूरे तरीके से सूख जाता है। और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, ऐसा नहीं है कि वो मर गया है, ठीक है ना, वो जिंदा है लेकिन उन्होंने अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कम कर लिया है, ठीक, और इस दौरान वो बहुत लंबे टाइम तक वो जिंदा रह सकता है, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं है कि कुछ दिन में मर जाएगा, वो बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रह सकता है। तो इस तरीके से जो चेंजेस लाता है वो अपने अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कम करके, उसे हम लोग कहते हैं डॉर्मेंसी, ठीक है। और डॉर्मेंसी पीरियड में आने के दौरान भी अगर हम लोग सीड को कम्प्लीटली सुखा भी लें, ठीक है ना, चना को तुम रोज सुखाओ धूप में, लेकिन फिर भी उसके अंदर 10-15% वाटर रहेगा ही, ठीक है। अगर कम्प्लीटली उसके अंदर का पानी खत्म हो जाएगा तो वो मर जाएगा, है ना, कोई भी बिना पानी के नहीं जिंदा रह सकता है। सो उसमें 10-15% पानी उसमें रहेगा ही, कम्प्लीटली ड्राई नहीं होता है, 10-15% पानी उसमें रहेगा ही, ठीक। तो डॉर्मेंसी समझ में आ गया, व्हाट इज डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी इज द रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन सीड्स व्हेन दे आर एक्सपोज्ड इन एडवर्स कंडीशंस, ठीक है। सो ये हो गया हम लोगों का सीड का स्ट्रक्चर, है ना, वो कैसे बना, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, ये सारा हम लोगों ने स्टडी कर लिया सीड्स के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे फ्रूट्स के बारे में, जो कि किससे बनेगा, इस ओवरी से बनेगा। देखो ओवरी के अंदर ही ओव्यूल है ना, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल है। अब क्योंकि ओव्यूल जो है वो क्या होता है, ओव्यूल जो होता है वो सीड बना लिया, तो ओवरी क्या बना लेगा, फ्रूट बना लेगा, यानी फ्रूट के अंदर सीड होता है, ठीक है, फ्रूट के अंदर सीड होता है, तो ये बाहर वाला फ्रूट बना लेगा और फ्रूट के अंदर ये सीड बन गया, दैट्स इट। सो अब हम लोग कल पढ़ेंगे फ्रूट के स्ट्रक्चर के बारे में, वो कैसे बना, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, टाइप्स क्या क्या हैं, इन सब के बारे में। और हाँ, एक और चीज जो छूट रहा है, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था पेरिस्पर्म क्या होता है। देखो ये जो न्यूसेलस होता है ना, ये जो न्यूसेलस होता है वो न्यूसेलस बहुत सारे एक सेल का गुच्छे से बना होता है ना। सो जब इस एम्ब्रायो सेक का डेवलपमेंट होता है, उस दौरान एम्ब्रायो सेक के डेवलपमेंट में भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन वो कहाँ से लेता है, वो न्यूट्रिशन लेता है इस आसपास के न्यूसेलस के सेल से, ठीक है ना, आसपास के न्यूसेलस के सेल से वो न्यूट्रिशन लेता रहता है ये एम्ब्रायो सेक। तो कंप्लीटली ये धीरे धीरे क्या करता है, पूरे न्यूसेलस के सेल को खत्म कर देता है, कंज्यूम कर लेता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये न्यूसेलस के सेल्स भी बचे रह जाते हैं, जो कि डेवलप्ड सीड्स में दिखेंगे। तो इस तरीके से देखो ये कंप्लीटली कंज्यूम करता जाएगा सबको, ठीक है, कंज्यूम करता जाएगा, तो ये धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, लेकिन किसी किसी सीड्स में क्या होता है, ये बचे हुए रह जाते हैं, बचे हुए रह जाते हैं, तो वैसे सीड्स को हम लोग कहेंगे पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म, ठीक है। पेरिस्पर्म इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच द सेल्स ऑफ न्यूसेलस आर रिमेनिंग्स, ठीक है ना, तो जिसमें न्यूसेलस के कुछ सेल्स जो है वो दिखाई पड़ जाते हैं, क्योंकि वो बच जाते हैं, उसको कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाता है ये एम्ब्रायो सेक, ठीक है। इसको इसके साथ मत मिला देना, एंडोस्पर्म के साथ मत मिला देना, न्यूसेलस वाले जो अगर बच जाते हैं तो उसे पेरिस्पर्म कहते हैं, और अगर एंडोस्पर्म का सेल बच जाता है तो उसे एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं, ठीक है।
सो यहाँ हम लोगों का सीड का पोर्शन खत्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे. सो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं. सो पढ़ाई करते रहिए. बेस्ट ऑफ लक.